Sri Narendra Kumar Kashyap. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। दोनों को बुलाओ। तरफ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे देश और सदन के सामने लाए गए हैं और हम ये महसूस करते हैं उपसभापति महोदय कि चाहे आम बजट की बात हो, चाहे वित्त विधेयक की बात हो, इस विधेयक से, इस बजट से हमारे देश की दिशा में कितना परिवर्तन आया, देश के विकास में हम कितना आगे बढ़ सके, देश में कितने रोजगार के हालात हम पैदा कर सके, ये सब बातें वो हैं जिनको हम तराजू के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदया, आप विराजमान हैं आज सदन के सदस्यों के सुझाव को नोट करने के लिए, समझने के लिए, और मैं बहुत व्यवस्था के साथ इस बात को उद्धृत करना चाहता हूं। यूपीए ने अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया, एनडीए ने अपनी बातों को रखा। सत्ता यूपीए की बनी या एनडीए की, आपके बजट में, आपकी व्यवस्था में और देश की संस्कृति में, देश के सबूत में यह बात बहुत क्लियर है कि तमाम आपके वायदे, तमाम आपकी विकास योजनाओं के बावजूद आज हमारे देश में केवल 3% लोग करदाता के रूप में चिन्हित हैं। कितना विकास किसने किया होगा, इसका अंदाजा इस बात के साथ लगाया जा सकता है कि 121 करोड़ के देश में अगर 3% लोग अभी आय कर के श्रेणी में आए हैं तो मतलब बहुत साफ है कि कहे कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। पूरा देश आज इस बात से चिंतित भी है और परेशान भी है। आप वित्त विधेयक लाए हैं, सरकार की सदन की परंपरा है ये पास होगी, विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्ता में बैठे लोग अपनी बात कहेंगे, देश में प्रभाव क्या होगा, देश में असर क्या होगा, देश कितना आगे बढ़ पाएगा, क्या कभी सच्चाई के साथ देश के उन लोगों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश की है, क्या कभी ईमानदारी से देश के उस आंचल में झांकने की भी कोशिश की है? अगर कोशिश की होती तो आयकर दाताओं की संख्या 3% नहीं होती, यह बढ़ सकती थी। मैं बहुत संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और बिंदु सदन में उपस्थित करना चाहता हूं। मैंने आपके विधेयक को पढ़ा उपसभापति महोदय, पता नहीं मुझे कि किसी और देश में भी ऐसी व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के वित्त विधेयक में हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स को भी दो भागों में बांट दिया। बहुत सारे देश के संविधानों को पढ़ने का मौका मिला, बहुत सारे फाइनेंस बिल को जानने का मौका मिला, और मेरे ख्याल से हमारा देश शायद पहला ऐसा देश है जिस देश में हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस विधेयक में दो भागों में विभाजित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के और देश के संज्ञान में लाना चाहता हूं
आपने 60 से 80 वर्ष की एक श्रेणी बनाई है और 80 वर्ष से अधिक उम्र की दूसरी श्रेणी बनाई है। मैं नहीं समझ पाया, ये देश नहीं समझ पाया कि 80 साल वाले को आप कौन सा वरिष्ठ मानते हैं और 60 साल वाले को आप कौन सा वरिष्ठ मानते हैं। आपने व्यवस्था दे दी, आपने बिल में व्यवस्था दे दी कि 60 से 80 वर्ष के बीच का व्यक्ति 2.5 लाख तक कमाता है तो कर में छूट पाएगा, 80 वर्ष से अधिक उम्र वाला व्यक्ति 5 लाख तक की आय पर कर मुक्त पाएगा। क्या हमारी सरकार की संवेदनशीलता, क्या हमारी सरकार की दूरदर्शिता देश के सीनियर सिटीजन्स के प्रति इतनी नहीं है कि कम से कम जिस नाम के पीछे सीनियर सिटीजन लिखा गया, जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक बन गया, कि उनको आप एक श्रेणी में रख सकें, एक समूह में रख सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कम से कम सीनियर सिटीजन को ना बांटिए। बेहतर तो देश को ना बांटना भी रहेगा, बेहतर तो समाज को ना बांटना भी रहेगा, लेकिन और भी कुछ ना हो सके तो कम से कम सीनियर सिटीजन की श्रेणी को एक करिए। और मेरी मांग है, मेरी अपील है कि 60 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को आयकर में 5 लाख तक छूट का प्रावधान निश्चित तौर से होना ही चाहिए। अगर आप समरसता की बात करते हैं, अगर आप वरिष्ठों के सम्मान की बात करते हैं, अगर देश में आप सद्भाव की बात करते हैं, तो कम से कम बांटने की नीति पर तो आप पीछे हटने की जरूर कोशिश करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके बिल में महिलाओं के साथ जो एक बात उभारी गई, हमारे देश की महिलाओं को भी कष्ट होगा इससे और मुझे भी कष्ट हुआ। हम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा में बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें उठाते हैं। हम महिलाओं के अधिकार के लिए 33% रिजर्वेशन देने की बात भी करते हैं। हम महिलाओं के सम्मान के लिए और बहुत सारे विषय और कानून बनाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने आयकरदाताओं की श्रेणी में महिलाओं के सम्मान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री महोदया, आपके बिल में इस बात को अंकित किया गया है कि महिलाओं को अगर 2,80,000 रुपया तक कमाने वाली आयकर रखने वाली महिला को कर में छूट दी गई है। मैं समझता हूं कि सामान्य व्यक्ति से महिला के मद में जो केवल 30,000 का डिफरेंस रखा गया है, ये बहुत कम है। अगर वरिष्ठ नागरिकों को आप 5 लाख तक आय पर छूट देने का इरादा रखते हैं, तो फिर महिलाओं को भी 5 लाख तक आय पर छूट देने की नियत आपको जरूर बनानी चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव कि महिलाओं को भी 5 लाख तक आय पर छूट का प्रावधान हमारी सरकार करे तो शायद ये बहुत ही न्याय उचित होगा। तीसरी बात, विकलांगों के बारे में कोई बहुत स्पष्ट नीति आपके विधेयक में अंकित नहीं की गई है। अगर हम पुराना बिल देखते हैं, आयकर की व्यवस्था पे हम ध्यान देते हैं, तो मात्र 1 लाख रुपए का डिफरेंस सामान्य आयकर दाता और विकलांग के बीच में रखा गया है। मैं सदन के माध्यम से ये प्रस्ताव करता हूं, ये प्रस्ताव रखता हूं कि विकलांग की श्रेणी में भी अगर आय में छूट का की राशि 5 लाख कर दी जाए, तो मेरे ख्याल ये भी बहुत ही ज्यादा हितकारी होगा, न्याय उचित होगा। और अगली बात, आज चाहे यूपीए की सरकार हो,
चाहे एनडीए की सरकार हो, सरकार ने आम बजट में भी, सरकार ने और तमाम मुद्दों पर बिलों में इस बात को बहुत उभारा है कि हम दलितों के विकास के लिए विशेष योजना लाएंगे, हम आदिवासी के कल्याण के लिए कुछ नई नीति बनाएंगे। नहीं, सुन लो, एक दिन में ना लाइए, एक दिन में तो आप विनाश ही कर सकते हैं। उसके लिए समय मिलेगा आपको, पूरे 5 साल का समय जनता ने दिया है और जनता टमाटर भी खा रही है आपकी सरकार में, सबको सब कुछ बात का पता है, समय लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं उपसभापति महोदय कि आपने मेरा समय 12 मिनट का, अभी 2 मिनट बाकी, 2 मिनट हैं, इसलिए कि आपको थोड़ा सा वार्निंग दे रहे, 5 मिनट और लगाने हैं माफी के साथ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत नहीं, आप बोलिए, समाप्त कर दूंगा, बोलिए। अगर इस गरीब सेक्शन को, इस वीकर सेक्शन को, जिसके लिए हम तमाम सदनों में, तमाम मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करके प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्या इस वर्ग को भी इस आयकर छूट में, आयकर में छूट देने पर सरकार कोई विचार करेगी? और अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, और उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरे पास निश्चित इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत बड़ा रोल देश में भी अदा करता है, उत्तर प्रदेश में भी अदा करता है, और हमारे उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्री गाजियाबाद में, मोदी नगर में, नोएडा में और तमाम जगहों पर बंद हैं, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, बेचारे रक्षा चला रहे हैं। क्या सरकार का ध्यान जो बीमार उद्योग हैं उनको संचालित करने के लिए, ताकि मजदूरों को पुनः काम पर लौटने का मौका मिल सके, उस पर भी कोई विचार करेंगे? और एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने आती है कि वो पूरा टैक्स देते हैं, पूरा रेवेन्यू देते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, अगर कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, चाहे वो इनकम टैक्स से संबंधित ही है, उनको अपने मुकदमों की पैरवी के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे धन का अपव्यय होता है। हालांकि विषय शायद इससे जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन मैं फिर भी इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि अगर सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आयकर दाताओं की सुविधा के लिए पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने पर विचार करे, तो सरकार और प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा महोदय, 50 लाख की संपत्ति खरीदने वाले पर 1% TDS टैक्स लगाने का प्रोविजन हमारे देश की सरकार ने बनाया। मेरी निश्चित जानकारी है कि उस नियम का, उस कानून का देश के लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अंडर टेबल सौदे हो रहे हैं। 1% TDS के चक्कर में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाले लोग, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, वो अपनी संपत्ति की वैल्यू कम दिखा के प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। अगर इस नियम को समाप्त भी किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये भी देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। काला धन देश के लिए बड़ी समस्या, महोदय बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, 1 मिनट और ले लीजिए, पर आपकी मेहरबानी होगी, अच्छा नहीं लगता आपको, केवल 2 मिनट का समय आप दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। केवल 2 मिनट चाहता हूं आपसे, आप कहेंगे तो मैं अभी भी बैठ जाऊंगा, 1 मिनट और, तो 2 मिनट का समय चाहूंगा। काले धन का मुद्दा आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है। SIT आपने बना दी, बन गई, उसकी रिपोर्ट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रगति क्या है, न सदन को पता है न देश को पता। छोड़िए काले धन की बात, हमारे कई मित्रों ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा काला धन ऐसा पड़ा हुआ है, अगर हमारी सरकार सिंसियरिटी के साथ उस पर काम कर ले तो भी हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। और महोदय, एक बात कह के अपनी बात को अंत करना चाहता हूं
कि आयकर कार्यालय का विस्तार होना चाहिए, मेरा बहुत ही सकारात्मक सुझाव है। जिस प्रकार आयकर विभाग बहुत बड़ा विभाग है और सारा देश इस व्यवस्था से संचालित होता है, लेकिन आयकर विभाग के ऑफिस बहुत कम है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, कई मंडल में है। अगर तहसील लेवल पर भी आयकर विभाग के ऑफिस बनाए जाएं, इस सिस्टम को और बढ़ाया जाए, तो जो 3% की हमारी संख्या है आयकर दाताओं की, इस संख्या को आगे बढ़ाया जा सकता है। छात्रों को ऋण में हो गया ना, मतलब छात्रों को जो पढ़ाई के लिए ऋण मिलता है उस पर ब्याज की व्यवस्था लागू रहती है। मेरी मांग है कि कोई भी छात्र पढ़ जाने के बाद 5 साल बाद तक भी अगर उसके ऋण को ब्याज मुक्त रखा जाए तो बहुत सारे छात्रों को लाभ मिल सकता है। आपने मुझे समय दिया, मैं मुझे मालूम है कि बहुत सारे सदस्यों को बोलना है और बहुत सारे मुद्दे इससे भी ज्यादा कीमती होंगे, फिर भी मैं अपनी बात आपको मेहरबानी से कह सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।